मनोज बाजपेयी ने साझा किया कि वह सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों की पिटाई करेंगे। मनोज बाजपेयी दो दशकों से अधिक समय से फिल्मों में हैं, और जबकि अभिनेता ने हिंदी फिल्म उद्योग के कुछ सबसे प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ काम किया है, उनमें से कई के साथ उनके बड़े मतभेद भी रहे हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में जब मनोज से अनुराग कश्यप, तिग्माशु धूलिया, अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता के साथ उनके लंबे झगड़े के बारे में पूछा गया, तो अभिनेता ने कहा कि चूंकि वे सभी दोस्त हैं, इसलिए वे कभी कभी एक दूसरे से लड़ते हैं। हालांकि अभिनेता ने स्वीकार किया कि जब वह मुंबई जाने से पहले दिल्ली में रहते थे तो उनका गुस्सा बेकाबू था और अक्सर राजधानी में स्थानीय DTC दिल्ली परिवहन निगम की बसों में झगड़े होते थे। मुझे DTC बसों में बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि जब भी मैं देखता था कि कोई किसी महिला के साथ गलत हरकत कर रहा है और अगर महिला विरोध कर रही है तो मैं सच में उस आदमी की पिटाई कर देती थी। दिल्ली में मेरे ज्यादातर झगड़े इसी वजह से हुए हैं, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है, उन्होंने जिस्ट के साथ साझा किया। जब साक्षात्कारकर्ता ने बिहार में मनोज के झगड़ों का जिक्र किया तो अभिनेता ने इसे दरकिनार कर दिया और दावा किया कि यह किशोरावस्था का गुस्सा था जिसने उन्हें झगड़ने के लिए मजबूर किया। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।